Hello students, in this video we will solve numerical of chapter 2, motion in one dimension. You should try to solve every numericals. So the question number 1 is, the speed of car is 72 km per hour, express it in meter per second. Solution of question number 1. Speed is given 72 km per hour. It change into meter per second. So 1 km equal to, we know, 1000 meter, and 1 hour equal to 3600 second. After solving kilometer upon 1 km upon hour equal to, solving 1000 upon 36, after solving this it will be 5/18. Now, so 72 multiply by 5/18 because the kilometer change into kilometer change into meter and hour change to second. So after solving this, the answer will be 20 meter per second. Question number 2. Express 15 meter per second in kilometer per hour. The solution of question number 2, speed is given 15 meter per second. इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आर में. किलोमीटर पर आर को चेंज करना रिवर्स हो जाएगा. मीटर पर सेकेंड को चेंज करना 1 किलोमीटर पर आर इक्वल टू, इसको चेंज इसके लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड. और इसका रिवर्स होता है कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आर. तो इसको अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18/5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको सॉल्विंग करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग द रिजल्ट विल बी 54 किलोमीटर पर आर. सिंपल, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन. Question number 3. Express each of following in meter per second. First, 1 kilometer per hour. And second, 18 kilometer per minute. The first part of question number 3. Solution, 1 kilometer per hour change to meter per second. So, meter per second mein change ke liye kya karoge? 5/18 se multiply karenge. तो यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आएगा 0.278 मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. और दूसरा सेकेंड पार्ट है, 18 किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. तो एक किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. इसको 60 सेकेंड में चेंज करेंगे. तो इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट, 0 0 0 कैंसिल, 6 से इसको करना 6 3 18. तो 3 into 100 इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड. द आंसर ऑफ आंसर, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. 10 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर मिनट, 18 किलोमीटर पर आर. सबको जो है, हम जो गिवन है उनको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करके सबका ऑर्डर कि किसकी ऑर्डर जो है स्पीड के ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. पहला दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, उसको ऐसे रहने दें. सेकेंड को किलोमीटर पर मिनट है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे पहले. तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू यहाँ पर 1000 मीटर्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. तो उसको सॉल्व करेंगे, तो इतना तो सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 16.67. राउंड अप करेंगे इसको. तो ये पहला सेकेंड पार्ट है. थर्ड पार्ट है, किलोमीटर पर आर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में. तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. किलो अब इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस द रिजल्ट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. पहले वाले को पार्ट को, सेकेंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को
इन तीनों को हमने फर्स्ट सबको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो इसमें सबसे तो इसको हमें लिखना है कि स्पीड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका यहाँ पर, सबसे कम लिखें, कम से ज़्यादा स्मॉलर टू स्मॉलर से ग्रेटर की ओर बढ़ेंगे। तो इससे स्मॉल सबसे ज़्यादा सबसे कम स्पीड किसका यहाँ पर देखिए आप, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला है 18 किलोमीटर पर आवर, पहले 18 किलोमीटर पर आवर, फिर इंक्रीजिंग स्पीड किसका है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड वाला। फिर सेकेंड वाले का है 16 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो इसका 1 किलोमीटर पर मिनट। तो ये हमारा जो स्पीड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड की ओर चलेंगे, कम स्पीड से ज़्यादा। क्लियर हो गया। अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइम इज गिवन 3 आवर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली के लिए। स्पीड जो यहाँ से आगरा से दिल्ली के लिए स्पीड जो है यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड इज गिवन है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू वी नो स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर स्पीड कितने दिया है, 65 किलोमीटर पर आवर गिवन है और टाइम आपको 3 आवर दिया है। तो आर से आर कैंसिल हो, क्या बचा, किलोमीटर बचा, 65 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन आगरा टू दिल्ली सिटी के बीच का डिस्टेंस आ गया आपका। तो नाउ क्वेश्चन नंबर्स, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। सेकेंड पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस आपको दिए है ए से बी, तो डिस्टेंस फर्स्ट 30 किलोमीटर और ए से बी तक ट्रैवल करने में तो स्पीड होती है जब का दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट है 30 किलोमीटर चलने के लिए 30 किलोमीटर मूव करता है और स्पीड उसमें रहती है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा गया कि टोटल टाइम फ्रॉम ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ड्यूरिंग जर्नी। फर्स्ट वी फाइंड आउट करेंगे टाइम इक्वल टू, वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट स्पीड होता है। तो फॉर ए टू बी पहले टाइम निकालेंगे, ए टू बी के टाइम निकालेंगे, ए से बी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट स्पीड। डिस्टेंस आपको होती है 30 किलोमीटर, स्पीड आपका क्या 60, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 0.5 आवर आएगा। अब फ्रॉम बी टू सी के लिए हम क्या करेंगे, बी टू सी के लिए टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया है 30 किलोमीटर और स्पीड आपको दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 आवर। ओके, अब टोटल टाइम टोटल ऑफ द जर्नी, तो टाइम T1 + T2, पहले में टाइम ए से जो बी का टाइम है वो हमारा 0.5 आवर और जो बी से सी तक जो टाइम है 3.4 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग, तो इसको सॉल्व एलसीएम लेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस इनटू करके तो आपका इसका आंसर आएगा, इसको कैंसिल करके 75 मिनट आ जाएगा हमारा। तो सेकेंड पार्ट, एवरेज स्पीड निकालने है ऑफ कार। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हमेशा याद रखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी। टोटल डिस्टेंस से पहले वाले में 30, दूसरी वाले में भी 30 किलोमीटर और टोटल टाइम आपने सॉल्व किया यहाँ था, टोटल टाइम जो यहाँ पर आपका था 5/4 आवर था, 5/4 आवर। तो यहाँ 5/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 60/5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चले जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, 12/4 = 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 7, अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड देन 3 आवर टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। द
The distance between two stations is 200 kilometers. Find first the average speed, second part the average velocity of train. The solution of question number 7. एक जो ट्रेन को ए से लेकर ए स्टेशन से लेकर बी तक जो टाइम लेता है 2 आवर लेता है और डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर्स और वहाँ से रिटर्न करता है बी टू ए आता है तो डिस्टेंस सेम रहेगा 200 किलोमीटर रहेगा लेकिन टाइम यहाँ चेंज हो रहा है 3 आवर। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला में पता है डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस वन एस टू, एस वन भी 200 है किलोमीटर, एस टू भी 200 किलोमीटर है। टाइम टी वन हमारा पास है 2 आवर और टी टू हमारा 3 आवर है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर अपन 2 आवर प्लस 3 आवर, तो यह हो जाए 5 आवर। इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे 5 8 जा 40 है 40 यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये है 0 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। सेवन क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। पहली वाली में था एवरेज स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी की जो हमारा पास है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी जो डिपेंड करती, अब यहाँ पर पहली में टोटल डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ट्रेन फिर पहले ए से बी गया, बी से ए में आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पर 0, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यहाँ पर, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी तो 5 ही रहेगा, 5 आवर ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है इसलिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। ओके, ये ध्यान देना है कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0। This is the part 1 video. Rest questions will be solved and uploaded soon. Thanks for watching.